हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। यह क्वेश्चन घटना चक्र टो सीरीज़ से लिए गए हैं। यह इस सीरीज़ का थर्ड सेट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शंस हैं बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषि पत्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे। और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। और बौद्ध ग्रंथों में ये जो परिनिर्वाण है इसको महापरिनिर्वाण बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शंस हैं हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं 1294, 1417, 1213 या 1398। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शंस हैं हैदर अली, पेशवा माधव राव, टीपू सुल्तान या पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशवा माधव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1825, 1853 या 1840। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में कानून पारित किया था? ऑप्शंस हैं 1819, 1825, 1829 या 1832। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शंस हैं 6, 7, 9 या 11। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 127। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
उपराष्ट्रपति को, और किस अनुच्छेद के माध्यम से, 56(1) का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ऑप्शंस हैं करेवाश, भागीरथी, काठमांडू या अराकू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अराकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शंस हैं खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या सिलोंग पाचोटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिलोंग चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शंस हैं नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केटू, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। ऑप्शंस हैं वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलेमन द्वीप समूह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्फ्रूस कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रूस या यूक्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। ऑप्शंस हैं 2014, 2016, 2017 या 2018। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2017, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी या कालीन बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज यानी इलाहाबाद या खुर्जा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी खुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले डैश हैं। ऑप्शंस हैं आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आगरा और कानपुर, और कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं सोजनी, रबारी, चिकनकारी या कांथा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चिकनकारी।
और इसकी खोज किसने की थी? नूरजहाँ को दिया, इसकी मतलब इसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? नूरजहाँ को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं फरुखाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर या फैजाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, फिरोजाबाद। और इसको सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? ऑप्शंस हैं वेब विचरक यानी कि वेब ब्राउजर्स, खोजी इंजन यानी कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया विवरण यानी कि स्थल या साइट्स या वेब सेवाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, वेब विचरक यानी कि वेब ब्राउजर्स हैं ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं धोखाधड़ी, फिशिंग से, खोजी इंजन सर्च इंजन से, विचरकों ब्राउजर्स से या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, खोजी इंजन सर्च इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस पी का, कंट्रोल प्लस वी का, कंट्रोल प्लस सी का या कंट्रोल प्लस एक्स का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी कि सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा डैश होती हैं। ऑप्शंस हैं बाईं ओर संरेखित, केंद्र में संरेखित, दाईं ओर संरेखित या समपार्श्वीय यानी कि जस्टिफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, केंद्र में संरेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी, दाईं ओर संरेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त समरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं फॉर्मेट स्लाइड, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू निचोड़ने की मशीन डैश है। ऑप्शंस हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शंस हैं विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शंस हैं पॉलीथीन, वैकेलाइट, पीवीसी या पॉलीएस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? ऑप्शंस हैं चांदी, लोहा, पारा या मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारा का। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ऑप्शंस हैं
बाह्य श्रोणि फलक धमनी, ब्रक धमनी, कक्षा धमनी या अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ब्रक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शंस हैं कैल्सीफेरॉल, फिलोक्यूनॉन, पाइरोडॉक्सिन या टोकोफिरॉल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिलोक्विनॉन। जो फिलोक्विनॉन होता है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्लिया नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या हार्मोन उत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रक्त आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर प्रमाणित जिला बन गया है? ऑप्शंस हैं आगरा, बुरहानपुर, जबलपुर या जोधपुर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस हैं नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको या स्कॉटलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में आशियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, जकार्ता, थिम्पू या नोम पेन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नोम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया? ऑप्शंस हैं बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस समूह, नवी म्यूचुअल फंड या HDFC म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नवी म्यूचुअल फंड। और यह भारत का पहला ओपन एडेड इंडेक्स फंड है। यह फंड लागत प्रभावी और सरल निवेश उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्मझिरी अभयारण्य का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और यह इस प्रदेश का 24वां अभयारण्य होगा और इस अभयारण्य में सिवनी जिले का 1410.40 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं संगीता अभियान, ईशा तेंदुलकर, प्रमिला मिश्रा या सावित्री जिंदल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संगीता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं सुमन भारद्वाज, निहारिका सक्सेना, विमला रस्तोगी या अंजना पाठक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, विमला रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मिंगम यूके में आयोजित 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा पैकियोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।